दोस्तों इस बार फ्री फायर में अपडेट के बाद काफ़ी सारे नए नए कैरेक्टर आने वाले हैं और फ्री फायर में कैरेक्टर्स आने से पहले फ्री फायर एडवांस सर्वर में कैरेक्टर्स आ जाते हैं और यहां पर आप देख सकते हो कि काफ़ी सारे हमें नए नए कैरेक्टर देखने के लिए मिल जाते हैं। ये भी नया कैरेक्टर है, ये भी नया कैरेक्टर और ये भी। तो आज की इस वीडियो में हम सुजी कैरेक्टर की एबिलिटी जानने वाले हैं कि इसकी जो एबिलिटी है मैच के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। तो इसका लुक आप देख सकते हो, इस तरीके की ये कैरेक्टर है और ये एक फीमेल कैरेक्टर है और इसकी एबिलिटी मैच के अंदर किस तरीके से काम करती है आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं जैसे कैरेक्टर वाले इंटरफेस पर आ जाता हूं, तो दोस्तों ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है और जो एक्टिव स्किल कैरेक्टर रहते हैं वो तो काफी ज्यादा पावरफुल रहते हैं, पैसिव स्किल कैरेक्टर थोड़े कम रहते हैं। तो इस बात के हिसाब से यहां पर ये कैरेक्टर काफी सही तो अभी तक दिख रही है। अब इसकी एबिलिटी किस तरीके से काम करती है, इसकी एबिलिटी का नाम है मनी मार्क और यहां पर इसका नाम है सुजी। अब देखते हैं कि यह मैच के अंदर किस तरीके से वर्क करती है। तो दोस्तों इसकी क्या एबिलिटी है, जैसे ही हम किसी भी एनिमी को किल कर देते हैं तो हमें 100 कॉइन देखने के लिए मिल जाता है। आप बीआर रैंक खेलते हो, सीएस रैंक खेलते हो, कोई सा भी मोड खेलते हो, यहां पर क्या सीन होता है, हम किसी भी एनिमी को जैसे ही किल करते हैं तो एक किल के बाद हमें 100 कॉइन देखने के लिए मिल जाते हैं, फिर दूसरा किल करेंगे फिर 100 कॉइन, फिर तीसरा किल, हर एक किल के बाद आपको 100-100 कॉइन देखने के लिए मिल जाते हैं। इसकी एबिलिटी इस तरीके से वर्क करती है और यहां पर आप देख सकते हो मैं जैसे ही एनिमी को किल करता हूं मुझे तुरंत से 100 कॉइन यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ये तो रही इसकी पहली एबिलिटी। अब इसकी जो एबिलिटी है किस किस तरीके से वर्क करती है वो जानते हैं। तो दोस्तों इसका जो फायदा है हमारे साथ साथ हमारे टीममेट को भी देखने के लिए मिल जाता है, इसकी एबिलिटी इस तरीके से वर्क करती है। और यहाँ पर क्या सीन होता है, यदि किसी भी एनिमी के ऊपर मार्क आता है तो 100 एक्स्ट्रा यहाँ पर कॉइन आपको देखने के लिए मिल जाता है। जैसा कि आपने सिरू कैरेक्टर का यूज़ किया, मोको कैरेक्टर का यूज़ किया या एक वो पेट आता है जिसमें मेडिकेट लगाते उसके ऊपर मार्क आता है, वो सभी सीन रहते हैं। यदि आप किसी भी मार्क वाले एनिमी को यहाँ पर किल कर दो तो आपको 100 की जगह 200 कॉइन देखने के लिए मिल जाता है। जैसे किसी एनिमी के ऊपर मार्क आ रहा है उसको यदि आप किल कर दो तो वहाँ पर आपको 100 की जगह 200 कॉइन देखने के लिए मिल जाते हैं, इस तरीके का सीन रहेगा। किसी के ऊपर सिरू का मार्क आ रहा है उसे आप मारोगे तो आपको 200 कॉइन देखने के लिए मिलेगा। यदि आप एकदम सिंपल एनिमी को मारोगे तो आपको यहाँ पर 100 कॉइन देखने के लिए मिलेगा, किसी मार्क वाले एनिमी को मारोगे तो यहाँ पर आपको 200 कॉइन देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर बीआर रैंक मैचों में क्या होता है, जो भी एनिमी सबसे ज्यादा किल करता है हम दुकान से एक सामान खरीदते हैं तो उसकी लोकेशन हमें पता चल जाती है। तो यदि हम उस एनिमी को किल करते हैं तो हमें एक किल करने पर वहां पर 300-400 कॉइन देखने के लिए मिल जाता है। यदि मैच में जिसने सबसे ज्यादा किल किया उस वाले एनिमी को आप मारते हो तो वहां पर भी आपको बहुत ही अच्छा फायदा देखने के लिए मिलता है और एक बार में 300-400 कॉइन वहां पर आपको काफी आसानी से देखने के लिए मिल जाता है। तो इसकी जो एबिलिटी अलग अलग एनिमी के ऊपर अलग अलग तरीके से वर्क करती है। यदि आप एकदम सिंपल एनिमी को मारते हो तो आपको 100 कॉइन मिलेगा, यदि आप मार्क वाले एनिमी को मारते हो तो आपको 200 कॉइन मिलेंगे, और यदि आप सबसे ज्यादा किल जिसने किया उसके ऊपर वो एक लोकेशन आती है ड्रोन टाइप का उसके ऊपर आता है उसको मारते हो तो वहां पर आपको 300-400 कॉइन मिल जाते हैं। इस तरीके से इसकी एबिलिटी काम करती है और इसका फायदा आपके साथ साथ आपके टीममेट को भी देखने के लिए मिलता है। आपका टीममेट सामने वाले एनिमी को किल करता है उसको भी 100 कॉइन देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इस तरीके से इसकी एबिलिटी काम करती है, कुछ कंडीशन है और ये एक पैसिव स्किल कैरेक्टर है और दोस्तों ये हमें इस बार फ्री फायर में अपडेट के बाद देखने के लिए मिल जाएगी। तो इसकी एबिलिटी मैंने आपको बता दिया किस तरीके से काम करती है। ये कैरेक्टर आपको अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि ये कैरेक्टर मुझे तो इतना खास नहीं लगा, लेकिन आप जरूर बताना कि आपको ये कैरेक्टर कैसा लगा। तो यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।